नमस्कार आदाब भाई, ये रूबरू कराता हूँ आज सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा पहली बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की नियुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, और जिसके तहत 9 जून से लेकर 18 जून तक उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन का कार्य, डीवी का कार्य लखनऊ के अंदर चल रहा है। हज़ारों की संख्या के अंदर यहां पर अभ्यर्थी महिलाएं पहुंची हैं, और जिनका सपना है कि वो किसी न किसी रूप में एनएम बन जाए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन जाए और देश समाज की सेवा करें। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, सचिव अवनीश सक्सेना और उप सचिव प्रियंका सिंह की कड़ी देख रेख के अंदर आज भी कार्यक्रम पूरे दिन लागू रहा। बप्पा नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज, जो कि लखनऊ का है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर आज महिला अभ्यर्थी पहुँचे थे, 9 जून से पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन 2400 महिला अभ्यर्थियों का सत्यापन, उनके कागजात का सत्यापन किया जा रहा है, और उसके बाद शीघ्र ही रिजल्ट निकलेगा, ऐसी घोषणा की जा रही है। हम आपको बता दें, भारी संख्या में आज अभ्यर्थी मौजूद थे। पहले सुनवाते हैं, इस दौरान कई अभ्यर्थियों से हमारी और अभिभावकों से बात हुई, क्या कहा उन्होंने इस बारे में। आप भी अभिभावक हैं जो पेपर देने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी दिनों के बाद इतनी वैकेंसी निकाली है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या संतुष्ट हैं आप जो प्रक्रिया चल रही है? कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए हैं, तो क्या लग रहा है कि कब तक इसका रिजल्ट कैसा रहेगा? 30 तारीख के बाद पता चल जाएगा। पहले सारा कार्य शेयर हो रहा है, तुम्हें आने में यहाँ दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहेगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप भी खासतौर से कैंडिडेट हैं, आपके भी साथ दीदी हमारी, आपकी दीदी आई है। ये बहुत उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ी बड़ा काम है, काफी नियुक्ति निकाली गई है, कितना खुश हैं इससे आप, संतुष्ट हैं? सरकार बहुत अच्छी काम, कोई सुझाव देना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, जितने भी वित्तीय वर्ष में कोरोना काल में जितने भी पेंडिंग में पड़ी हुई थी वैकेंसियाँ, सारी वैकेंसियों को कम्प्लीट कर रही है, और इस साल इस वित्तीय वर्ष में जितने भी छूटे हुए वैकेंसी है, जैसे लेखपाल की हो गई और अदरवाइज यूपीएससी के जितने भी वैकेंसीज हैं, सारे को क्लियर कर रही है। और इस दौर में ये जो अभी चल रहा है एएनएम का, इस समय जो डीवी चल रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सारे लोग सारे सब सब ट्रेंड है, ये ट्रेंड होकर आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ट्रेंड है, ये सब ट्रेंड है, सब ट्रेंड सरकार कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले जब कर रहे हैं तब ना। क्या मतलब, आप किसी से संतुष्ट नहीं हो? सरकार से तो सब संतुष्ट है, लेकिन नीचे वाले जो है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या क्या कहना है आपका? ये जितना भी हो रहा है, ये सारा कुछ अब एकदम पूरा हो जाए, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, बीच में नहीं रुकनी चाहिए, इतना परेशान होने के बाद फिर से नहीं झेलना है हम लोग को। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने आ रहा है, सरकार से सीधी मांग कर रहे हैं कैंडिडेट भी, उनके अभिभावक भी, कि यदि नियुक्ति आती है तो पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, और उनको नियुक्ति पत्र भी समय पर मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्राय देखा जाता है कि नियुक्ति की घोषणा होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, उत्तर प्रदेश शासन, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी साफ कह दिया है कि शीघ्र अति शीघ्र रिजल्ट घोषित होंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, और आज उसकी वानगी देखी भी जा रही है, गेट पर काफ़ी चेकिंग अभियान है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सुविधा की दी जा रही है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी क्षेत्र से चारों ओर से महिला अभ्यर्थी और उनके अभिभावक आज यहां पर पहुंचे थे। देख सकते हैं, बहुत से तो अपने बच्चों को लेकर ही पहुंचे थे, और आलम यह था कि सड़कों पर भी अभिभावक बच्चों को लेकर बैठे रहे, क्योंकि अभ्यर्थी अपना सत्यापन अपनी डीबी अंदर कराते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस आयोजन में ये भी देखी गई कि जहां एक और जबरदस्त गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, वहां पर पानी का व्यापक रूप से इंतजाम किया गया था। आप देख सकते हैं, प्राग का ये टैंक लगातार चिल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ यहां पर खड़ा रहा, और अभिभावकों की, अभ्यर्थियों की प्यास बुझाता रहा, क्योंकि काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहां पर अभ्यर्थी मौजूद, और ऐसे में गर्मी में पानी की शिद्दत
सबको होती है और पानी से किसी को कोई अभाव ना रहे, पानी की वजह से कोई अभाव की वजह से कोई प्यासा ना रहे, इसका व्यापक रूप से प्रबंध किया गया था। क्योंकि प्रतिदिन 2400 महिला अभ्यर्थियों का कार्यक्रम और यहाँ उनका सत्यापन एक बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि इतने ही उनके अभिभावक होते हैं। 9 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है, व्यापक स्तर से कार्यक्रम था और ऐसे में पानी एक अहम रोल अदा करता है, पानी की कोई कमी नहीं देखी गई है। आइए एक छात्रा ने, अभ्यर्थी ने इस मौके पर क्या कहा उसको भी सुनवाते हैं, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पर महिला अभ्यर्थी पहुँचे थे। सुनिए कितने क्या आश्वस्त हो? 100% कहाँ से आए हो? बस्ती से। तो क्या करना चाह रहे, क्या मन में जज्बा है, क्यों आई हो इसमें, इस जॉब में? अच्छा, पहले से कहीं कर रहे हो? हाँ, स्वास्थ्य विभाग क्यों चुना? अच्छा है, मेरे लिए ज्यादा बेटर है, मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। बहुत बढ़िया। हम आपको बता दें, युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसका बखूबी जो है वो स्वीकार किया है और बखूबी इंतज़ाम करते हुए आयोग ने साबित कर दिया है कि चाहे कितना ही सख्त परीक्षा हो या कितना ही बड़ा आयोजन हो, उनका स्टाफ बड़ी आसानी से इसको कर सकता है। क्योंकि हम बता दें, 17,713 का चयन 26/5/2022 में डीबी के लिए हुआ था, क्योंकि 9,212 पद पर ही चयन होना है। 9,212 पद के सापेक्ष 17,713 को बुलाया गया है। अब इनमें आज उनके अभिलेखों का सत्यापन किया गया है। 9 जून से ये कार्यक्रम चल रहा है और जो कि 18 जून तक चलेगा। 18 जून की बात करें तो हम 18 जून के अंदर रोल नंबर 1 जो है 17,346 से 18,281 तक प्रथम पाली में कार्यक्रम रहेगा। जबकि हम आपको बता दें कि 9 जून से 17 जून तक रोल नंबर 1 से 17,345 तक के अभ्यर्थियों का, कागजातों का, उनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया गया है। इस सत्यापन की बात करें तो क्या होता है इसके अंदर, शैक्षिक अभिलेख, आरक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र, मूल अभिलेखों से मिलान, सत्यता का गहनता से परीक्षण आदि किया गया है इन दिनों में। और शीघ्र ही इसके बाद मेरिट बनेगी, क्योंकि सबसे पहले पेट परीक्षा हुई थी, फिर मुख्य परीक्षा हुई और मुख्य परीक्षा के बाद इन अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए 9 जून से 18 जून तक बुलाया गया है। 18 जून के अंदर जो दूसरी पाली होगी, द्वितीय पाली होगी, द्वितीय पाली के अंदर उन लोगों के लिए आरक्षित रखा गया है जो किसी कारणवश अनुपस्थित रह गए थे। बहरहाल बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश की बड़ी नियुक्ति है, इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती, लेकिन उस चुनौती को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहा है पूरा स्टाफ। और अब शीघ्र अति शीघ्र इसका रिजल्ट आने के बाद उनका सपना पूरा होगा जो किसी न किसी रूप में आस लगाकर आए हैं, उम्मीद लगाकर आए हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी परीक्षा की है और जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे लगभग 9,212 पदों को, अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट आएगा। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।